पलक पटेल मर्डर केस। दोस्तों, अगर किसी क्रिमिनल को अमेरिका की FBI, इंटरपोल और कई देशों की पुलिस ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है कि वो मुजरिम कितने दिनों तक छुप सकता है? 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने? आज हम आपके सामने जो केस लेकर आए हैं उस केस का प्राइम एक्यूज्ड पिछले 7 सालों से फरार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देसी डॉक्यूमेंट्रीज। 12 अप्रैल 2015 की बात है। घड़ी में रात के 10 बजने वाले थे। अमेरिका के मेरीलैंड स्टेट के हैनोवर शहर में एक छोटी सी बेकरी शॉप थी जिसमें कुछ कस्टमर हैरान परेशान खड़े थे। ये ग्राहक पिछले 20 मिनट से शॉप पर थे लेकिन शॉप का मालिक कहीं नहीं था। थोड़ी देर और इंतजार करने पर भी जब शॉप काउंटर पर कोई नहीं आया तो एक कस्टमर ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने उस शॉप की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस को शॉप के स्टोर रूम में एक लड़की बेहोश मिलती है। पुलिस ने जैसे ही लड़की के पास जाकर उससे बात करनी चाही तो पुलिस वालों के पसीने छूट गए। लड़की की बॉडी और फेस पर कई जगह चाकू से वार किए गए थे, खून काफी बह चुका था। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया लेकिन लड़की ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने इस बेकरी के मालिक को पूछताछ करने के लिए कॉल किया। शॉप के मालिक ने उन्हें बताया कि मृतिका भारतीय मूल की पलक पटेल है और पलक अपने पति भद्रेश के साथ इस बेकरी में नाइट शिफ्ट में काम करती थी। पलक के पति भद्रेश को पुलिस ने जब कॉल लगाया तो उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पलक के साथ क्या हुआ था अब ये सिर्फ शॉप में लगा CCTV कैमरा ही बता सकता था। CCTV फुटेज में पुलिस ने देखा कि रात के लगभग 9:32 पर पलक और भद्रेश बेकरी के किचन में थे। भद्रेश फोन पर किसी से बात कर रहा था और बात करते करते वो शॉप के स्टोर रूम में चला जाता है। पलक भी अपने पति भद्रेश के पीछे स्टोर रूम में चली जाती है। 1 मिनट के बाद स्टोर रूम से सिर्फ भद्रेश ही बाहर आता है। वो बेकरी में लगा माइक्रोवेव बंद करता है और तेजी से बेकरी से बाहर चला जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भद्रेश बेकरी से सीधा अपने अपार्टमेंट पहुंचा जो बेकरी के बिल्कुल पास था। अपार्टमेंट पहुंचकर भद्रेश ने कैश, पासपोर्ट और अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स उठाए और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भद्रेश के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अमेरिका के हर न्यूज चैनल पर भद्रेश की फोटो दिखाई गई ताकि अगर किसी ने उसको कहीं देखा हो तो वो पुलिस को खबर कर दे। कत्ल के 5वें दिन यानी कि 17 अप्रैल को एक महिला टैक्सी ड्राइवर पुलिस के पास पहुंची। टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि 12 तारीख की रात को उसी ने भद्रेश को हैनोवर शहर से पिक करके लगभग 300 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी के एक होटल के सामने छोड़ा था। इस होटल से कांटेक्ट करने पर पुलिस को पता चला कि भद्रेश ने 13 अप्रैल 2015 को सुबह के लगभग 3 बजे होटल में अपने लिए एक रूम बुक किया था। भद्रेश ने अगली सुबह 10 बजे होटल से चेकआउट कर लिया और होटल की टैक्सी से पेन स्टेशन चला गया। दोस्तों, इस स्टेशन से अमेरिका के किसी भी शहर के लिए बस या ट्रेन मिलना बहुत आसान है। इस दिन के बाद से पुलिस को भद्रेश का कोई भी सुराग नहीं मिला। पलक का जन्म 31 मई 1993 को हुआ था। पलक टीचिंग के साथ साथ अपनी MCOM की पढ़ाई भी कर रही थी। अब इधर घर वालों ने पलक की शादी के लिए लड़के भी देखने शुरू कर दिए। कई रिश्ते देखने के बाद और कई लड़कों से मिलने के बाद पलक को भद्रेश पसंद आ गया। अच्छा लग रहा था भद्रेश। भद्रेश ने भी MCOM की पढ़ाई की थी और वो एक पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। भद्रेश को भी पलक की सादगी भा गई और नवंबर 2013 को परिवार वालों ने दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। अब शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। भद्रेश ने पलक से कहा कि वो उसे हनीमून के लिए अमेरिका ले जाना चाहता है। अमेरिका जाने की बात सुनकर पलक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज से पहले वो इंडिया से बाहर ही कहीं नहीं गई थी, अब तो सीधा अमेरिका जा रही थी जहां के लोग सपने देखते थे। सितंबर 2014 में ये दोनों अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचकर सबसे पहले भद्रेश अपने रिलेटिव के घर न्यू जर्सी जा पहुंचा। भद्रेश की मां पहले से ही इन रिलेटिव के यहां रह रही थी। अब ये दोनों 6 महीने के टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आए थे। पलक को लग रहा था कि कुछ महीने यहां बिताकर दोनों वापस अपने देश इंडिया चले जाएंगे, लेकिन
भद्रेश की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। न्यू जर्सी के हैनोवर शहर में भद्रेश के कजिन की एक बेकरी शॉप थी। भद्रेश ने पलक को बोला कि हम दोनों जितने भी दिन यहां अमेरिका में हैं, तो क्यों ना हम दोनों इस बेकरी शॉप में जॉब कर लें। अब दोस्तों आपको बता दूं कि टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका में जॉब करना इलीगल है। पलक पढ़ी लिखी थी और ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अमेरिका का कानून कितना सख्त है। पलक ने जॉब करने से इनकार कर दिया और भद्रेश से वापस इंडिया चलने को बोला। भद्रेश ने पलक को भरोसा दिलाया कि जब बेकरी उसके कजिन की है तो किसी को क्या ही पता चलेगा, और वो दोनों नाइट शिफ्ट में काम करेंगे तो उन्हें काम भी कम करना पड़ेगा। असहज मन से पलक जॉब के लिए मान गई। दोनों ने बेकरी शॉप के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया, जिसमें भद्रेश की एक कजिन भी रहती थी। पलक को इलीगल तरीके से दूसरे देश में जॉब करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। उसने कई बार भद्रेश और उसके परिवार वालों से इस बारे में बात करनी चाही, लेकिन सबके सब उसको टालते रहे। कुछ दिनों से इंडिया वापस चलने की बात पर भद्रेश पलक पर हाथ उठा दिया करता था। पलक और भद्रेश की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था और आए दिन इनके बीच में झगड़े होने लगे थे। मार्च 2015 में इनका टूरिस्ट वीजा खत्म होने वाला था। पलक को अब तक ये समझ में आ चुका था कि भद्रेश का इंडिया वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। पलक ने इंडिया में अपनी माँ को फोन किया और रोते रोते सारी बात बताई। सारी बात सुनकर पलक के माता पिता काफी चिंता में आ गए। 27 मार्च 2015 को पलक के पेरेंट्स विजिटर वीजा लेकर पलक से मिलने अमेरिका जा पहुंचे। पलक को अपने पेरेंट्स से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी रात भर बेकरी में जॉब करते और पूरे दिन सोते रहते थे। टाइम निकाल करके पलक के पिता ने भद्रेश से बात करी। उन्होंने भद्रेश को समझाया कि उसे और पलक को अब इंडिया वापस जाना चाहिए, लेकिन भद्रेश ने ये बात हंसके टाल दी। पलक की मां ने पलक से कहा कि भद्रेश ना सही तो तुम ही हमारे साथ इंडिया वापस चलो। पलक बिना भद्रेश के इंडिया वापस जाना ही नहीं चाहती थी। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो किसी भी तरह भद्रेश को मना कर इंडिया वापस ले आएगी। मायूस होकर पलक के पेरेंट्स 7 तारीख को इंडिया वापस लौट आते हैं। अब दोस्तों शुरू में हमने आपको एक CCTV फुटेज दिखाई थी, जिसमें भद्रेश किसी से फोन पर बात कर रहा था। दरअसल ये फोन पलक का था और भद्रेश से पहले पलक अपने भाई से बात कर रही थी। उसका भाई पलक से वापस इंडिया आने की बात कर रहा था। पलक के भाई ने उसे बताया कि उसने पलक की 17 तारीख की इंडिया की टिकट बुक करवा दी है। भद्रेश को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने पलक से उसका फोन छीन लिया और उसके भाई से बहस करने लगा। हत्या की रात जब पुलिस पलक और भद्रेश के अपार्टमेंट पहुंची तो वहां पर बाथरूम में पुलिस को भद्रेश के खून से सने कपड़े और जूते मिले। भद्रेश पर इस कदर खून सवार था कि उसने अपनी पत्नी पलक के ऊपर 1 मिनट में चाकू से 30 से 40 वार कर दिए। अधिकतर वार पलक के मुंह, गले और छाती पर किए गए थे। घाव इतने गहरे थे कि पलक ने आधे घंटे में ही दम तोड़ दिया। कत्ल करने के बाद भद्रेश जिस होटल में जाकर रुका, वहां के स्टाफ ने बताया कि भद्रेश के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। वो गाने गुनगुना रहा था, सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। खैर 20 अप्रैल 2015 को अमेरिकन पुलिस ने ये केस जांच एजेंसी FBI को सौंप दिया। सबसे पहले FBI भद्रेश को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल देती है। भद्रेश के लिए नो फ्लाइंग लिस्ट का सीधा मतलब था कि वो अमेरिका में किसी भी बस, प्लेन या ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकता। साथ ही अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स पर भद्रेश की डिटेल्स भेज दी गई, ताकि अगर वो किसी भी एयरपोर्ट से भागना चाहे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। अब दोस्तों आप में से शायद कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के बारे में तो सुना होगा। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका की एक बहुत चर्चित जगह है, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर फेमस चीजों या इवेंट्स को दर्शाया जाता है। अब दोस्तों अमेरिका की पुलिस ने भद्रेश को पकड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका नोटिस भी एक दिन के लिए टाइम्स स्क्वायर पर लगा दिया। अब आज की तारीख में भद्रेश कुमार FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उसकी सूचना देने पर $1,00,000 यानी कि ₹80,00,000 का इनाम है। इसके साथ ही भद्रेश का नाम इंटरपोल की लिस्ट में भी डाल दिया गया।
इंटरपोल एक संस्थान है जिसके 198 देश सदस्य हैं। यानी अगर भद्रेश किसी और देश में शरण के लिए भाग भी जाएगा तो उसे गिरफ्तार करके अमेरिका को लौटा दिया जाएगा। दोस्तों, इस केस की एक थ्योरी ये भी है कि शायद भद्रेश 17 तारीख से पहले ही अमेरिका छोड़कर इंडिया भाग गया था। आपको शायद याद होगा कि कहानी के शुरू में हमने बताया था कि भद्रेश इंडिया में एक पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। यानी हो सकता है कि भद्रेश ने फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवा रखे हों और वो इंडिया में आपके और हमारे बीच आराम से रह रहा हो।